मंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के विभिन्न आयोगों, निगम, मंडलों, बोर्ड और प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां की हैं। युवा आयोग में सदस्य पद पर अजय सिंह के स्थान पर बीजापुर जिले के प्रवीण डोंगरे को नियुक्त किया गया है। इसी तरह महिला आयोग पद पर तुलसी साहू के स्थान पर जिला बस्तर की बालो बघेल, खाद्य आयोग में सदस्य पद पर कोरबा जिले के हरीश परसाई, दुर्ग जिले के राजेंद्र महिलांग, दंतेवाड़ा जिले के विमल सुराना, रायपुर जिले के कुलदीप शर्मा, बीजापुर जिले के इम्तियाज खान और जांजगीर चांपा जिले की ज्योति कश्यप को नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के केपी खांडे तथा सदस्य पद पर जांजगीर चांपा जिले के श्रीराम पप्पू बघेल, रायपुर जिले के बी एस जागृत, सूरजपुर जिले के संतोष सारथी एवं जांजगीर चांपा जिले के रमेश पेगवार को नियुक्त किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य पद पर सरगुजा जिले के साधुचरण यादव, रायपुर जिले की किरण सिन्हा, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के गिरवर साहू को नियुक्त किया गया है। राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के केपी खांडे तथा सदस्य पद पर जांजगीर चांपा जिले के श्रीराम पप्पू बघेल, रायपुर जिले के बी एस जागृत, सूरजपुर जिले के संतोष सारथी एवं जांजगीर चांपा जिले के रमेश पेगवार को नियुक्त किया गया है। रायपुर विकास प्राधिकरण में सदस्य पद पर रायपुर जिले की चंद्रावती साहू को नियुक्त किया गया है। अंतर्व्यवसायी निगम में सदस्य पद पर वेदराम मनहरे के स्थान पर बलौदा बाजार भाटापारा जिले के नीलेश बंजारे को नियुक्त किया गया है। तेलघानी बोर्ड में सदस्य पद पर गरियाबंद जिले के शैलेंद्र साहू, सरगुजा जिले के लक्ष्मी गुप्ता और बलौदा बाजार भाटापारा जिले के रोहित साहू को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में उपाध्यक्ष पद पर दुर्ग जिले के केशव बंटी हरमुख, सदस्य पद पर रायपुर जिले के मंगल मूर्ति अग्रवाल, बलौदा बाजार भाटापारा जिले के आलोक मिश्रा, इसी जिले के हरप्रसाद साहू, रायपुर जिले के मदन तालेड़ा, इसी जिले के नरेश गढ़पाल, बालोद जिले के कृष्णा दुबे और रायपुर जिले के सुरेश मसीह को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बलौदा बाजार भाटापारा जिले के विद्याभूषण शुक्ला, उपाध्यक्ष पद पर महासमुंद जिले के आलोक चंद्राकर, सदस्य पद पर धमतरी जिले के मदन मोहन खंडेलवाल, जांजगीर चांपा जिले के नारायण खंडेलिया, बेमेतरा जिले के दानेश्वर साहू, सुकमा जिले के करण देव, मोहला मानपुरम बागढ़ चौकी जिले के संजय जैन और रायपुर जिले के मदन देवांगन को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में सदस्य पद पर महासमुंद जिले के अंकित बागबाहरा, रायगढ़ जिले की नैना गभेल और सूरजपुर जिले की नीति सिंह को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में सदस्य पद पर बेमेतरा जिले के शुभम साहू, गरियाबंद जिले के रविंद्र सिंह राजपूत और महासमुंद जिले की लक्ष्मी देवांगन को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर धमतरी जिले के मोहन लालवानी, सदस्य पद पर रायपुर जिले की साक्षी सिरमौर और रायपुर जिले की ही पिंकी बाग को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में सदस्य पद पर रायपुर जिले के श्री ईश्वर बघेल, दुर्ग जिले के महत्तरलाल वर्मा, गरियाबंद जिले के बाबूलाल साहू, बस्तर जिले के कृष्ण कुमार साहू, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के श्री अजीत विश्वास, खैरागढ़छुई दानगंडे जिले के रजभान लोधी, सरगुजा जिले के अरविंद गुप्ता, जशपुर जिले के दिलीप पांडे, बिलासपुर जिले के बी आर सिंगरौन, सरगुजा जिले के श्री रमेश अहीर, बिलासपुर जिले के श्री ब्रजेश शर्मा, बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजकुमार यादव और बीजापुर जिले के इम्तियाज खान को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर दुर्ग जिले के लोचन विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष पद पर जांजगीर चांपा जिले के श्री विष्णु विश्वकर्मा, सदस्य पद पर बस्तर जिले के शंकर लाल विश्वकर्मा, सरगुजा जिले के गोविंदराम विश्वकर्मा और रायपुर जिले के धनीराम विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर दुर्ग जिले के तरुण बिजौर, उपाध्यक्ष पद पर महासमुंद जिले के श्री खिलावन बघेल, सदस्य पद पर दुर्ग जिले के श्री किशोर कन्नौजे, गरियाबंद जिले की सुश्री सरोजनी रात्रे और रायपुर जिले के तुलसी दौड़िया को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के शिल्प बोर्ड में अध्यक्ष पद पर दुर्ग जिले के नंद कुमार सेन, उपाध्यक्ष पद पर बिलासपुर जिले के चित्रकांत श्रीवास, सदस्य पद पर कोंडागांव जिले के श्री विजय कुमार सेन, मुंगेली जिले के श्री धनुष सेन और रायपुर जिले के शीत श्रीवास को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ रजक कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष पद पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले के श्री लोकेश कन्नौजे, उपाध्यक्ष पद पर मुंगेली जिले के दुखवा राम निर्मलकर, सदस्य पद पर कबीरधाम जिले के श्री भुवनेश्वर निर्मलकर, दुर्ग जिले के राजेंद्र रजक और बिलासपुर जिले के लक्ष्मीकांत निरेजक को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल में सदस्य पद पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले के रमाकांत साहू, रायपुर जिले के आनंद गिलहरे, बिलासपुर जिले के शीतल दास महंत, रायपुर जिले के श्री जगदीश वर्मा, रायपुर जिले के चूड़ामणी साहू, रायपुर जिले के सर्वजीत सिंह, रायपुर जिले के सोमेश चटर्जी, राजनांदगांव जिले के वीरेंद्र चौहान और धमतरी जिले के ज्ञानचंद गोलछा को नियुक्त किया गया है। पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण में सदस्य पद पर महासमुंद जिले के नरेंद्र साहू, महासमुंद जिले के मोहन बंजारा, जशपुर जिले के देवकृपा यादव, बालोद जिले के काशी निषाद और राजनांदगांव जिले के मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अर्पा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर बिलासपुर के अभय नारायण राय, सदस्य पद पर बिलासपुर जिले के श्री महेश दुबे, बिलासपुर जिले के श्री नरेंद्र बोलर और बिलासपुर जिले की श्रीमती आशा पांडे को नियुक्त किया गया है। इंद्रावती विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर बस्तर जिले के राजीव शर्मा, सदस्य पद पर बस्तर जिले के श्री मलकित सिंह गेंदु, बस्तर जिले के श्री रमाशंकर राव और बस्तर जिले के श्री सियाराम नाग को नियुक्त किया गया है। सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के सतीश जग्गी को नियुक्त किया गया है। उर्दू अकादमी बोर्ड मने अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के इद्रीश गांधी, उपाध्यक्ष पद पर दुर्ग जिले के डॉक्टर नजीर कुरैशी, सदस्य पद पर धमतरी जिले के नजीर अहमद सिद्दीकी, बस्तर जिले के सत्तार अली, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के श्री सगीर कुरैशी, रायपुर जिले के रिजवान खान, सूरजपुर जिले के श्री इस्माइल खान, जांजगीर चांपा जिले के गुलाबुद्दीन, मुंगेली जिले के एजाज खोखर, सुकमा जिले के मनवर अली, बालोद जिले के श्री शबीर खान, बिलासपुर जिले के अब्दुल शाहिद कुरैशी, सरगुजा जिले के बदरुद्दीन इराकी, रायपुर जिले के सादिक बैलिम, इस्माइल खान, हाजस्ता खान बानो को नियुक्त किया गया है। सिंधी अकादमी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के राम गिडलानी, उपाध्यक्ष पद पर बिलासपुर जिले के नानक रेलवानी तथा सदस्य पर राजनांदगांव जिले के अशोक पंजवानी, श्री मुरली पंजवानी, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के दिलीप खटवानी, रायपुर जिले के अमर परचानी, अर्जुन वासवानी, अमर गिदवानी, राधा राजपाल, दुर्ग जिले के सुरेश दिंगानी, राजकुमार नारायणी, बलौदाबाजार जिले के श्री रोशन हबलानी को नियुक्त किया गया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर दुर्ग जिले के अल्ताफ अहमद, उपाध्यक्ष पद पर सरगुजा जिले के इरफान सिद्दीकी तथा सदस्य पद के लिए धमतरी जिले के श्री अशरफ रोकड़िया, रायपुर जिले के मोहम्मद अमजद खान, बलरामपुर जिले के खलील अहमद, बस्तर जिले के अनवर खान, नारायणपुर जिले के मोहम्मद यासीन, रायगढ़ जिले के मोहम्मद हसन रजा, कोरबा जिले के डॉक्टर शेख इश्तिया, दुर्ग जिले के तौहिद खान, बिलासपुर जिले के मुकिम अंसारी, दंतेवाड़ा जिले के शकील अहमद, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के शाहिद राइन को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडल के अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा एवं सदस्य पद पर रायपुर जिले के डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव को नियुक्त किया गया है। अपेक्स बैंक के सदस्य पद पर रायपुर के द्वारिका साहू, बस्तर जिले के शंकर सोढ़ी, सरगुजा जिले के अजय बंसल एवं दुर्ग जिले के राकेश ठाकुर को नियुक्त किया गया है।